भाई मूवी की हिम्मत तो देखो, सेकंड पार्ट का भी अनाउंस कर रही है। हॉरर कॉमेडी मूवी अगर आप अकेले देखने जा रहे हो तो उसका 50% इम्पैक्ट कम हो जाता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया अकेले और ये मेरे साथ हुआ। चार पॉजिटिव और चार नेगेटिव के बाद डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। जो ऑब्वियस नेगेटिव चीज है वो बताता हूँ, जो आंखों में खल रही थी। मूवी में ज्यादा नहीं, दो ही गाने हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, दोनों फोर्सफुल है। वो भी इसलिए ताकि आपको भाभी के ठुमके देखने मिले। चिकनी चमेली को वापस रिक्रिएट करने की कोशिश की है, बट मतलब गाने इस तरह से घुसते हैं मूवी के अंदर कि आपको लगता है भाई क्या हुआ। दूसरा नेगेटिव है कैटरीना भाभी के एक्सप्रेशन, एक ढूंढ के निकाल दो आप। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है शायद, अर्जुन कपूर, कैटरीना भाभी, सलमान एडमिन है शायद उसमें, लेकिन बजरंगी भाईजान सल्लू भाई करते हैं एक्टिंग। 20 ईयर्स हो गए कैटरीना भाभी को और अभी भी तुम्हारी हिंदी वीक है, बस यही चल रहा है। लेकिन एक्टिंग का बोझ दो लोग है जिन्होंने संभाला, उनकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन स्क्रीन प्ले, और बाप रे क्या था, इससे हजार गुना ज्यादा अच्छे स्क्रीन प्ले मैंने कॉमेडी नाइट्स और कपिल शर्मा के स्टैंडअप्स में देखे। मतलब सिद्धार्थ और ईशान को इतने गंदे डायलॉग्स दे दिए और बोला है कि चैलेंज है तुम लोगों को कि इसको फोड़ के दिखाओ। 10 में से 8 या 9 बार तो पंचेस फूटते ही नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ और ईशान, इनके बारे में बात करेंगे। एकदम हग्गू स्क्रीन प्ले है, कुछ रेफरेंसेस तो क्या पता किधर से घुसाया है। चैकी दादा का वो 1983 का हीरो वाला म्यूजिक घुसा दिया है, मतलब क्या मजाक बना दिया है यार। लेकिन रेफरेंस की अगर बात चल रही है तो 50% हग्गू है, बाकी 50% टॉप नॉच। और आखिरी नेगेटिव है इसकी एंडिंग। थैंक गॉड स्टार्टिंग से ही मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी इस मूवी से, लेकिन बेसिक कुछ तो ट्विस्ट ला लेते। नाना पाटेकर सर को किसी के शरीर में घुसा देते, लेकिन नहीं, 100% VFX, 0% लॉजिक और बिना किसी कंक्लूजन के साथ मूवी एंड। ये सब साइड में हो जाता है जब आप पॉजिटिव सुनोगे। नंबर वन सिद्धार्थ और ईशान, दोनों ने अपने कंधों पर एक्टिंग को पूरा संभाला। ईशान भाई की वो मर्द को दर्द नहीं होता और गली बॉय का बहुत हार्ड आदमी, दोनों की कंपटीशन चालू है मूवी में कि मैं इस घटिया डायलॉग में भी आपको हंसा के दिखाऊंगा। बस इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप थोड़ा गहरा दिखाते जो स्टार्टिंग में बहुत पकाऊ लग रहा था। लेकिन VFX भाई, अच्छा VFX बनता है इंडिया में। हाँ, वो चुड़ैल का उल्टा पैर वो थोड़ा ग्रीन स्क्रीन लग रहा था, लेकिन एकदम टॉप क्लास के VFX। जो सेट डिजाइन और प्रॉप यूज किए वो पूरा भूतिया फील लाते हैं मूवी के अंदर। चौथा पॉजिटिव पॉइंट, बैकग्राउंड म्यूजिक, कानों को सुकून मिल रहा था। मतलब हर एक डायलॉग के अंदर जो एक एक वर्ड्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी बैकग्राउंड डाला है, और ये तारक मेहता टाइप रिपीटेटिव नहीं, अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक। और मूवी में कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जो आपको याद रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल रजनीकांत का रेफरेंस बेस्ट, कैटरीना का वो स्लाइस वाला एडवर्टाइजमेंट बेस्ट। मुझे तो दो ही अच्छे याद आ रहे हैं, बाकी सारे रेफरेंस ने हगा है। 100 बात की 1 बात, मूवी फैमिली के साथ ही देख सकते हैं। आप अकेले जाओगे मेरी तरह ज्यादा हंस नहीं पाओगे। मूवी बिल्कुल भी एडल्ट नहीं है, बच्चों को लेके जा सकते हैं, लेकिन कॉर्नर सीट से दूर रहना। मैं निकल रहा हूँ XXL को देखने, रिव्यू आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपकी क्या राय फोन बूथ पे कमेंट में जरूर बताना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।